क्या आपके घुटनों में भी दर्द है और आपका जो फैट है वो बढ़ता जा रहा है, आपका बैली फैट, आपका हिप फैट, आपका थाई फैट, ये यहाँ यहाँ का एरिया का जो फैट है क्या वो आपका एज बाय एज बढ़ता जा रहा है या आपके घुटनों में जो दर्द है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है? इसका कोई भी रीज़न हो सकता है घुटनों के दर्द का, या तो आपकी एज जो है वो बढ़ती जा रही है ये रीज़न हो सकता है, आपकी नसों में ब्लॉकेज आ गई हो, या आपका कोई ऐसा एक्सीडेंटल केस हो जिस वजह से आपके नी में जो है वो पेन स्टार्ट होने लगा है और जिस वजह से आपका जो फैट है वो बढ़ता जा रहा है, आपका जो वेट है वो बढ़ता जा रहा है, तो और कोई भी ऐसे रीज़न हो सकता है, हार्मोन इनबैलेंस हो सकते हैं या कोई भी ऐसा रीज़न जिस वजह से आपका वेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, आपके घुटनों का दर्द है वो जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। क्या होता है कि अगर आपका वेट नहीं भी बढ़ा है तब भी आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। कई लोग कहते हैं अरे मेरा वेट तो सही है तब भी मेरे घुटनों में प्रॉब्लम है। हो सकता हो आपका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो प्रॉपर ना हो, आपकी नसों में कहीं पर ब्लॉकेज हो, उस वजह से भी आपके घुटनों में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो ये है कि अगर आपके घुटनों में दर्द है और आप अपना फैट लॉस करना चाहते हो, साथ ही साथ अपना वेट लॉस करके आप अपने घुटनों के दर्द को ठीक करना चाहते हो, तो उसके बारे में आज मैं आपसे बात करूंगी। हेलो दोस्तों, मैं निकिता और वेलकम करती हूँ अपने YouTube चैनल फिटनेस विद निकिता में। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो जैसा कि मैंने कहा, आज जो बात हम करने वाले हैं या जो आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं वो उन लोगों के लिए है जिनके घुटनों में तो पेन है ही, साथ ही साथ उनका जो वेट है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो आज की जो एक्सरसाइज होंगी वो साथ ही साथ आपका वेट लॉस भी करेंगे और आपके घुटनों का दर्द भी ठीक करेंगे। तो आप मेरे साथ आज की एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो। तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे, लेट्स स्टार्ट। आपको इस तरीके से वॉक करना है, अगर आपके घुटनों में ज़्यादा दर्द है तो आप धीरे धीरे वॉक कर सकते हैं इस तरीके से। अगर घुटनों में पेन नहीं है तो आप इस तरीके से फास्ट वॉक भी कर सकते हैं। आपको एटलीस्ट 30 सेकेंड तक इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। हमारे पास टाइम कम है तो इसलिए हम सिर्फ 10 सेकेंड तक काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। सभी एक्सरसाइज आपको इस तरीके से करनी है जितनी आपकी बॉडी अलाउ करती है, आपको अपनी बॉडी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको क्या करना है, आपको अपने एक पैर को आगे रखना है। जो पैर आपका आगे रहेगा उस घुटने को आप उस एड़ी को आप इस तरीके से रखेंगे और अपने उस वाले पंजे को ऊपर की तरफ उठा लेंगे। पीछे वाले पैर के घुटने को हल्का सा बैंड करेंगे और आप अपनी लेग को एक अच्छा सा स्ट्रेच देंगे इस तरीके से। आप बार बार बैंड होंगे। लेट्स स्टार्ट। 10-10 टाइम्स करेंगे दोनों साइड से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरीके से दूसरी साइड से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। हमारी थर्ड एक्सरसाइज आपको क्या करना है, आपको अपने दोनों पैरों को इस तरीके से मिला के रखना है। मैं आपको साइड व्यू दिखाऊंगी। इस तरीके से आपको क्या करना है, हल्का सा अपने थाई के ऊपर हाथ रखेंगे, हल्का सा आगे बैंड एंड इस तरीके से। आपको अपने पैर को बिल्कुल स्ट्रेट नहीं करना इस तरीके से एंड वापस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। अपने दोनों पैरों को वापस से मिलाएंगे और नी रोटेशन करेंगे इस तरीके से। अगर आपको नी में पेन हो रहा है इन एक्सरसाइज के को करते टाइम तो आप धीरे धीरे इन एक्सरसाइज को करिए। 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरी साइड से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
एट नाइन टेन रिलैक्स. सेम एक्सरसाइज होगी, बस थोड़ा सा वेरिएशन होगा, पैरों के बीच में गैप एंड रोटेशन. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. दूसरी तरफ से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. रिलैक्स. बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट और लास्ट एक्सरसाइज की तरफ. इसमें आपको क्या करना है, आपके हाथ कमर के ऊपर, आपका पैर आगे इस तरीके से, और आपको क्या करना है, इस तरीके से अपने पैर के अंगूठे को आप इस तरीके से रखेंगे और मूव लाइक दिस. आप चाहे तो पूरे पंजे को भी रख सकते हैं और मूव करेंगे. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. इसी तरीके से दूसरी साइड से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. रिलैक्स. तो आज की एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, आज का वर्कआउट हमारा कंप्लीट हो चुका है. दिखने में ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी है. कई लोगों के कमेंट आ सकते हैं कि ये तो बहुत ही इजी है, इनसे क्या होगा, इनसे कोई वेट लॉस नहीं होगा. तो दोस्तों ये उनके लिए है जिनके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है. अगर वो ये एक्सरसाइज करेंगे तो उनके लिए एक्सरसाइज थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होगी, क्योंकि वो नी पेन के साथ हैं, साथ ही साथ उनका जो वेट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है. अब बात करते हैं कि आपको कितने रेपिटेशंस करने हैं, कितने राउंड्स करने हैं. तो आपको इन सभी एक्सरसाइजेस के ज़्यादा से ज़्यादा 3 राउंड्स करने हैं. और जैसे जैसे मैंने 10 सेकंड तक किया है या 10 काउंटिंग करी है, तो आप इसे 30 तक लेके जा सकते हैं. 30 सेकंड तक या फिर 30 रेपिटेशंस के साथ 30 काउंटिंग आप करके इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको पेन ज़्यादा हो रहा है तो आप कम भी कर सकते हो. जितनी आपकी बॉडी अलाउ करे आपको उतना ही एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है. तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए. और अगर आप मेरे साथ वर्कआउट करना चाहते हैं, अपने घुटनों का दर्द ठीक करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिख रहा है आप वहाँ से मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मेरे साथ आप वर्कआउट कर सकते हैं. मिलती हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ. तब तक लिस्ट स्टे हेल्दी. बाय बाय.